हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथर्मिया। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन नियोनेट एट बर्थ एंड बियॉन्ड 50%। मतलब जो हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है वो नियोनेट्स में एट बर्थ या फिर उससे ज़्यादा 15% तक होती है। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया का क्या मतलब होता है कि एक न्यूबॉर्न में हीट लॉस होना, ठीक है, पर बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो इन प्रोसेस की वजह से न्यूबॉर्न में हीट लॉस होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। ठीक है, और न्यूबॉर्न बेबी स्पेशली प्री टर्म जो होते हैं वो मोर प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए ड्यू टू पुअर हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, क्योंकि उनमें पुअर हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट ट्वाइस इन हाइपोथर्मिक बेबीज। तो मोर्टेलिटी रेट है वो हाइपोथर्मिक बेबीज में डबल हो जाती है। और सिग्निफिकेंटली मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों की रेट इसमें बढ़ जाती है। और प्रिवेंटेबल, और ये प्रिवेंटेबल भी है अगर इसको टाइमली प्रिवेंट कर लिया जाए तो प्रिवेंटेबल भी है। लैक ऑफ प्रोफेशनल अलर्टनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अगर लैक ऑफ प्रोफेशनल अलर्टनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अगर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की अगर जो अलर्टनेस है उसमें अगर कमी आ जाए, वो अगर बच्चे की देखभाल नहीं करें तो उसकी वजह से बच्चे में मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया। तो कॉजेस में क्या होता है, सिचुएशन कॉजिंग एक्सेसिव हीट लॉस, ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें कि एक्सेसिव हीट लॉस हो बेबी का, या फिर पुअर एबिलिटी ऑफ कंजर्व, हीट कंजर्व करने की पुअर एबिलिटी होती है बेबी में, और पुअर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, और जो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है वो भी पुअर होता है। उसके बाद में कॉजेस ऑफ हाइपोथर्मिया, कॉजेस ऑफ और क्या क्या कॉजेस है, सिचुएशन कॉजिंग एक्सेसिव हीट लॉस, ओल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, ओल्ड इन्वायरमेंट में हीट लॉस हो सकता है, वेट और नेक्ड बेबी हो, बेबी में कोल्ड लीलन में या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में एंड प्रोसीजर बाथ, ब्लड सैंपलिंग एंड इन्फ्यूजन में। ठीक है, और क्या हो सकता है, पुअर एबिलिटी टू कंजर्व, पुअर एबिलिटी टू कंजर्व, जैसे कि लो बर्थ वेट बेबीज में, IUGR बेबीज में पुअर एबिलिटी टू कंजर्व हीट होता है इस वजह से, और पुअर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन डिफिशियंसी ऑफ ब्राउन फैट की डिफिशियंसी के कारण पुअर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होता है, CNS डैमेज के कारण, हाइपोक्सिया के कारण, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण या सेप्सिस के कारण। ठीक है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। उसके बाद में वाई और इनबोर्न न्यूबॉर्न प्रोन टू डेवलप हाइपोथर्मिया, क्यों, सभी न्यूबॉर्न प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए, लार्जर सरफेस एरिया पर यूनिट बॉडी वेट। ठीक है, उनका बॉडी वेट के हिसाब से जो सरफेस एरिया है वो उनका ज़्यादा होता है बच्चों का, और लिमिटेड हीट जनरेशन मैकेनिज्म, जो हीट जनरेशन मैकेनिज्म होता है वो भी लिमिटेड होता है बच्चों में, क्योंकि उनमें नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस, मतलब जो सीवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, सीवरिंग के कारण जो हीट प्रोडक्शन होता है उसकी, वो नहीं होता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे सीवरिंग नहीं कर पाते हैं ना इस वजह से, और वनरेबल टू गेटिंग एक्सपोज्ड एंड बींग डिपेंडेंट अदर्स। ठीक है, और वनरेबल होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं मतलब प्रॉपर उन्होंने या तो उन पे ब्लैंकेट नहीं ढका जाए, उनको प्रॉपर कवर नहीं किया जाए बच्चों को, वो तो वो एक्सपोज होते हैं ठंड में, तो उस वजह से भी वो अनवल्नरेबल हो सकते हैं, और बीइंग डिपेंडेंट, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं बच्चे। ठीक है, इस वजह से फैक्टर्स इन लो बर्थ वेट एंड SFD, लार्ज सरफेस एरिया देन टर्म बेबीज। ठीक है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल ऑफ बेबीज और लो बर्थ वेट बेबीज में क्या होता है, जो टर्म बेबीज हैं उनसे ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया जो होता है उनका लार्ज होता है,
पुअर इंसुलेशन मतलब पुअर सबक्यूटेनियस फैट होती है उनमें, ठीक है, मोर परमिएबल स्किन होती है, डिक्रीज ब्राउन फैट होती है, पुअर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू कोल्ड होता है, अर्ली एग्जॉशन ऑफ मेटाबॉलिक स्टोर लाइक ग्लूकोज, ठीक है, मतलब जो जैसे ग्लूकोज वगैरह है तो इनका अर्ली एग्जॉशन हो जाता है। उसके बाद में थर्मल बैलेंस, तो थर्मल बैलेंस इज जो रेडिएशन कन्वेक्शन इवापोरेशन एंड कंडक्शन की वजह से जो थर्मल बैलेंस है वो बना रहता है। तो ये जो प्रोसेस होती है रेडिएशन बाय कन्वेक्शन बाय इवापोरेशन और कंडक्शन, तो इन वजह से क्या होता है हीट लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं इन फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद में देखते हैं रेस्पॉन्स टू कोल्ड, मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटीज़ के कारण मिनिमम सीवरिंग इन टर्म बेबीज मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है, तो ये जो कोल्ड है उसके रेस्पॉन्स में ये एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म स्पेशली इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ब्लड इज वार्म एज इट पासिस थ्रू द ब्राउन फैट एंड इट इज टर्न वार्म द बॉडी, ठीक है, इफेक्टिव थर्मोजेनेसिस रिक्वायर एडिक्वेट ब्राउन फैट, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन इंटैक्ट सीएनएस पाथवे, तो जो इफेक्टिव थर्मोजेनेसिस है उसके लिए एडिक्वेट ब्राउन फैट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और सीएनएस पाथवे वो इंटैक्ट चाहिए। न्यूट्रल थर्मल इन्वायरमेंट, रेंज ऑफ इन्वायरमेंट टेम्परेचर इन विच एन इन्फेंट कैन मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विद लीस्ट अमाउंट ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। जो न्यूट्रल थर्मल इन्वायरमेंट को कैसे रख सकते हैं, रेंज ऑफ इन्वायरमेंट टेम्परेचर इन विच एन इन्फेंट, मतलब जो इन्फेंट है उसके लिए जो नॉर्मल उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रखने के लिए जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसको भी नॉर्मल रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके बेबी का जो है वो लीस्ट अमाउंट में बीएमआर हो और ऑक्सीजन कंजप्शन लीस्ट अमाउंट में उसको, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 36.5 to 37.3, टेम्परेचर चेंज नॉट मोर देन 0.34 स्किन, ओके, एंड फॉल ऑफ 2 degrees Celsius इक्वल टू 25% हीट जनरेशन, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर 2 degrees Celsius अगर फॉल हो टेम्परेचर तो उसका मतलब है बेबी में 25% हीट जनरेशन कैपेसिटी उसकी बढ़नी चाहिए। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, एक्सिलरी टेम्परेचर रिकॉर्डिंग फॉर 3 minutes इज रिकमेंडेड फॉर रूटीन मॉनिटरिंग, ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर 2 minutes इज अननेसेसरी इन मोस्ट सिचुएशन, ठीक है, ह्यूमन टच बैक ऑफ फिंगर्स, तो इन सबसे टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की जाती है। डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथर्मिया बाय ह्यूमन टच से हाइपोथर्मिया का कैसे डायग्नोसिस करेंगे, फील बाय ट्रंक को फील करके, वॉर्म है तो उसको येलो एंड वॉर्म पर्पल एंड वॉर्म कोल्ड, फील बाय टच एक्सट्रीमिटीज को, वॉर्म कोल्ड हो सकती है या फिर और कोल्ड हो सकती है, इंटरप्रिटेशन मतलब इसका नॉर्मल और इसका मतलब ये है अगर फील बाई अगर ट्रंक को टच करने पर अगर वार्म फील हो रही है, ठीक है, और एक्सट्रीमिटीज़ को टच करने पर भी एक्सट्रीमिटी भी वार्म फील हो रही है तो इसका मतलब ये नॉर्मल साइन है, और अगर ट्रंक को टच करने पर वार्म फील हो रही है और एक्सट्रीमिटीज़ को टच करने पर वो कोल्ड है तो इसका मतलब है कोल्ड स्ट्रेस हो रहा है बेबी को, और अगर ट्रंक भी कोल्ड है और एक्सट्रीमिटी भी कोल्ड है इसका मतलब हाइपोथर्मिया की कंडीशन है। एक्सिलरी टेम्परेचर इन द न्यूबॉर्न, एक्सिलरी टेम्परेचर इन द न्यूबॉर्न नॉर्मल रेंज कितनी होती है 37.5, ठीक है, कोल्ड स्ट्रेस में कितनी होगी 36.5, मॉडरेट हाइपोथर्मिया में कितनी होगा टेम्परेचर 36,
एंड सीवियर हाइपोथर्मियम कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो कोल्ड स्ट्रेस है, कॉजेज ऑफ कंसर्न, मतलब जो कोज क्या है कोल्ड स्ट्रेस के, वो हमें देखने चाहिए। मॉडरेट हाइपोथर्मिया, तो ये डेंजर कंडीशन है, तो बेबी को तुरंत वार्म करना चाहिए। और सीवियर हाइपोथर्मिया, तो आउटलुक ग्रेव्स एंड स्किल्ड केयर अर्जेंटली नीडेड। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, तो प्रिवेंट कैसे करेंगे हाइपोथर्मिया के लिए, बाय वार्म चेन। तो वार्म चेन को मेंटेन करके हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट किया जाता है। वार्म डिलीवरी रूम, डिलीवरी रूम को वार्म करना चाहिए। तो जो टेम्परेचर है डिलीवरी रूम का, वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए, ठीक है। वार्म रिससिटेशन करना चाहिए, इमीडिएट ड्राइंग करनी चाहिए बेबी की, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, बाथिंग पोस्टपोन करनी चाहिए, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग उसकी होनी चाहिए, मदर एंड बेबी टुगेदर साथ में होनी चाहिए मदर एंड बेबी, प्रोफेशनल अलर्ट रहना चाहिए, और वार्म टर्म ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया एट बर्थ, तो हाइपोथर्मिया को कैसे प्रिवेंट किया जाए एट बर्थ, कंडक्ट डिलीवरी इन ए वार्म रूम, ठीक है, और ड्राई बेबी इंक्लूडिंग हीट इमीडिएटली विद वार्म क्लीन टॉवल, एंड रेप बेबी इन प्री वार्म लिनन, कवर द हेड एंड द लिम्स, ओके, प्लेस द बेबी स्किन टू स्किन ऑन मदर, पोस्टपोन बाथिंग, बाथिंग द बेबी। तो टाइमिंग ऑफ बाथ, स्मॉल एंड और लो बर्थ वेट बेबीज के लिए टिल द कॉर्ड फॉल, और प्रीफरेबल टिल, मतलब अगर स्मॉल फूड जेस्टेशन एज बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, तो उनके जब तक कॉर्ड फॉल नहीं हो जाती है तब तक, या फिर जब तक उनका वेट 2.5 केजी वेट नहीं हो जाता, जब तक उनकी बाथिंग अवॉइड करनी चाहिए, या फिर सिक या एडमिटेड इन नर्सरी में है तो बाथिंग नहीं करवानी चाहिए। टर्म बेबी है तो उसमें पोस्टपोन टिल नेक्स्ट डे तक उसमें करवानी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या होता है बाथिंग का, वार्म रूम एंड वार्म वाटर, ठीक है, बाथ क्विकली एंड जेंटली, ठीक है, ड्राई क्विकली एंड थ्रोली, रैप इन ए वार्म एंड ड्राई टॉवल, ठीक है, ड्रेस एंड रैप्ड इन्फेंट, ठीक है, बच्चे को तुरंत ही कपड़े पहना के तुरंत उसको कपड़ों से लपेट देना चाहिए, यूज ए कैप, ठीक है, कीप क्लोज टू द मदर, बाथिंग द बेबी, वार्म रूम, वार्म वाटर, ठीक है, ड्राई क्यूक थ्रोली, ड्रेस वार्मली एंड अप वॉक, ठीक है, गिव मदर टू ब्रेस्ट फीड, कंगारू मदर केयर। उसके बाद में कंगारू मदर केयर देते हैं हाइपोथर्मिया में, असिस्ट टू मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ एपनिया, रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बेबीज क्राई लेस एंड स्लीप बेटर, ठीक है, बेटर न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंट भी होता है कंगारू मदर केयर से, फैसिलिटेट ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छी होती है, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इम्प्रूव मदर बेबी बॉन्डिंग एंड बेटर वेट गेन एंड अर्ली डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से देते हैं कंगारू मदर केयर, तो मदर एंड बेबी की स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, मदर और बेबी नहीं बल्कि बेबी और या फिर उसके अदर फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। ये कंगारू मदर की टेक्निक्स होती है, मेथड होता है, बेबी बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट, सपोर्ट बेबीज बॉटम, हेड टर्न टू वन साइड एंड फ्रॉग लेग पोजिशन, ठीक है। कंगारू मेथड, प्लेस बेबी इन दिस पोजिशन, ऐसे भी कर सकते हैं, देन कवर द क्लोथ्स, ओके, ये भी कंगारू मदर केयर है। कोट नर्सिंग इन हॉस्पिटल मदर से, कवर एडिक्वेटली इन लाइनिंग, एडिक्वेट फीडिंग, कीप द थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट, मॉनिटर टेम्परेचर 3 hourly ड्यूरिंग इनिशियल पोस्टनेटल डेज, वेल कवर्ड न्यूबॉर्न, ये है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, लेट टेम्परेचर स्टेबलाइज ड्यूरिंग बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है,
बिफोर ट्रांसपोर्टेशन पे टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर लेना चाहिए. डॉक्यूमेंट टेम्परेचर एंड टेक रिमीडिएट मेजर्स. ठीक है, कैरी क्लोज टू चेस्ट इफ पॉसिबल इन कंगारू पोजिशन. कवर एडिक्वेटली, अवॉइड अनड्रेसिंग. ठीक है, बच्चे को हो सके तो कंगारू पोजिशन में ही रखना चाहिए, चेस्ट के पास रखना चाहिए. ठीक है, एडिक्वेटली अच्छे से उसको कवर रखना चाहिए. यूज थर्मोकोल बॉक्स विद प्री वॉर्म लिनन और प्लास्टिक सीट. ठीक है, और वाटर फील्ड मैट्रेस विद थर्मोस्टेट. साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया क्या होते हैं? पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, जिससे एक्रोसाइनोसिस हो सकता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो सकती है, मॉटलिंग हो सकती है, डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन हो सकता है, सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, लिथार्जी, पुअर फीडिंग, ब्रेडिकार्डिया या सीजर्स, एपनिया, ये सब हो सकता है. उसके बाद में साइन सिम्टम्स और क्या क्या हो सकते हैं. इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हो सकता है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, साइनोसिस, टेकिपनिया, पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है. ठीक है, उसके बाद में क्रोनिक साइन में क्या 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 हो सकता है. वेट लॉस हो सकता है बेबी का, फेलियर टू थ्राइव. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे इसके. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे. हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लीडिंग, एसिडोसिस, हाइपोटेंशन, शॉक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पल्मोनरी हेमरेज, एपनिया एंड कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ भी हो सकती है. मैनेजमेंट कैसे करेंगे. कोल्ड स्ट्रेस, तो कोल्ड स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे. कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है. जब बेबी का टेम्परेचर 36.5 से कम हो. ठीक है, तो कवर बेबी एडिक्वेटली, रिमूव कोल्ड क्लोथ एंड रिप्लेस विद वार्म क्लोथ, वार्म रूम एंड बेड, टेक मेजर्स टू रिड्यूस हीट लॉस. ठीक है, इंश्योर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर, इफ नॉट पॉसिबल कीप नेक्स्ट टू मदर आफ्टर फुल्ली कवरिंग द बेबी. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, मोनिटर एक्सिलरी टेम्परेचर एवरी हाफ आवर टिल इट रीच 36.5 डिग्री सेल्सियस, देन हावरली फॉर नेक्स्ट 4 आवर. ठीक है, 2 hourly फॉर 12 hour, देयर आफ्टर 3 hourly फॉर ए रूटीन. मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट हाइपोथर्मिया कैसे मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें कि टेम्परेचर 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेल्सियस तक रहता है बेबी का. तो उसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा, फिटिंग करवाएंगे बेबी को, वार्म रूम या वार्मर में रखेंगे, टेक मेजर टू रिड्यूस हीट लॉस के लिए क्या और रिस्पॉन्सिबल है, उनको सब को उन सब कॉजेज को रिमूव करेंगे, और प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट देंगे, 200 वाल्व का बल्ब लगाएंगे, वहाँ पे बल्ब से उसको हीट देंगे, हीटर या वार्मर इनक्यूबेटर का यूज कर सकते हैं, अप्लाई वार्म टॉवल्स. उसके बाद में सीवियर हाइपोथर्मिया का क्या मैनेजमेंट होता है. अगर बेबी का टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस है तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट, प्रिफरेबली अंडर रेडिएंट वार्मर. तो प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट अंडर रेडिएंट वार्मर में अगर एक्स्ट्रा हीट भी अगर रखनी पड़े तो वो भी उसमें हम अरेंज करेंगे, या फिर एयर हीटेड इनक्यूबेटर भी यूज कर सकते हैं. रेपिडली वार्म टिल 34 डिग्री सेल्सियस, देन स्लो री वार्मिंग. ठीक है, जिसके कारण कि मतलब जब हम एक्स्ट्रा हीट का यूज़ करेंगे तो उस दौरान टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, उसके बाद में वार्मर है वो उसको स्लो किया जा सकता है. टेक मेजर्स टू रिड्यूस हीट लॉस. ठीक है, मैनेज TABC. टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को मैनेज करना चाहिए. IV फ्लूड्स हैं वो देने चाहिए 60-80 ml per kg फॉर 10% डेक्स्ट्रोज, एंड ऑक्सीजन देनी चाहिए. इंजेक्शन विटामिन के देना चाहिए 1 mg इन टर्म पे या फिर 0.5 mg इन प्री टर्म पे. ठीक है, और इफ़ स्टिल हाइपोथर्मिक
अगर अभी भी हाइपोथर्मिक है तो कंसिडर एंटीबायोटिक कंज्यूमिंग सेप्सिस, ठीक है। मॉनिटर हार्ट रेट, बीपी, ग्लूकोज इफ अवेलेबल। उसके बाद में देखते हैं हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया क्या होता है, जब बेबी का टेम्परेचर लेस देन 37.5, लेस देन मीन मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस हो तो, ठीक है। प्रॉब्लम इन समर मदर, मतलब गर्मियों के टाइम में ये प्रॉब्लम होती है बच्चों में, और ये इनके बेबी में किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से बेबी इरिटेबल हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो सकती है, फ्लस्ट फेस हो सकता है बेबी का, हॉट एंड ड्राई स्किन हो सकती है, एपेथेटिक हो सकता है बेबी, लिथार्जिक हो सकता है, पेल हो सकता है, स्टूपर हो सकता है, कोमा में हो सकता है, कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं अगर टेम्परेचर मोर देन 41 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो। और हाइपरथर्मिया के क्या मैनेजमेंट करेंगे, प्लेस द बेबी इन नॉर्मल टेम्परेचर में बेबी को प्लेस करेंगे टेम्परेचर इन्वायरमेंट में, जिसमें कि 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस तक का इन्वायरमेंट हो, अवे फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ हीट, अनड्रेस द बेबी पार्शियली और फुल्ली, ठीक है। इफ नेसेसरी गिव फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड, इफ टेम्परेचर मोर देन 39 डिग्री सेल्सियस स्पंज द बेबी विथ टेप वाटर, ठीक है। डू नॉट यूज कोल्ड या फिर आइस वाटर फॉर स्पंज, ठीक है। मीजर द टेम्परेचर हावरली टिल इट बिकम नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आज हाइपोथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। ओके, थैंक यू।